अभी अभी ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार का गठन होने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। जी हां, प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, किसान आक्रोशित है, युवाओं को रोजगार न मिलने से उनमें निराशा है। हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश में विश्वास का वातावरण पैदा करना है, जिससे नया निवेश आएगा। इन सभी चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे और प्रदेश की जनता को एक पारदर्शी प्रशासन देंगे। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ जी से 5 सवाल पूछे गए। पहले सवाल की बात करें तो उनसे पूछा गया कि भाजपा कर्ज माफी को लेकर आपको कटघरे में खड़ा कर रही है, क्या 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे या टाइमलाइन कब से शुरू होगी। इसका जवाब देते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि सरकार का गठन होने दें, वचन पत्र में 10 दिन के भीतर कर्ज माफी की जो बात कही गई है उसे पूरा करेंगे। वहीं दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपका मंत्रिमंडल कैसा होगा, कितने सदस्य होंगे। इन सभी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सभी से बातचीत कर रहे हैं, अभी मंत्रिमंडल का आकार तय नहीं हुआ है, कितने मंत्री शपथ लेंगे यह भी तय नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन सभी से चर्चा के बाद होगा। वहीं तीसरा सवाल पूछा गया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रदेश पर 2,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ऐसे में किसानों का कर्ज माफ़ करना बड़ी चुनौती है, इसका हल कैसे निकालेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर उसका हल निकालेंगे, किसानों की कर्ज माफी और अन्य योजनाओं में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं चौथा सवाल उनसे पूछा गया कि सीएम बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी के साथ बैठकर तय करेंगे कि प्रशासन में पूरी तरह ईमानदारी हो, यह व्यवस्था लागू करने में सभी से सहयोग की अपेक्षा करेंगे। वहीं पांचवा सवाल उनसे पूछा गया कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय करने में देरी क्यों, आखिर आपके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच क्या केमिस्ट्री थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला पहले ही सुलझ गया। इसका जवाब देते हुए कमलनाथ जी ने कहा कि मेरे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कभी भी पद को लेकर कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, नेता चयन करने का फैसला पार्टी आला कमान द्वारा लिए जाने की परंपरा है, बस उसका निर्वहन हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले भी सभी नेता एकजुट थे और आज भी एकजुट हैं।